गया जिला के डुमरिया प्रखंड के एसएम मेमोरियल स्कूल सिंहपुर कोल्हुआर में बाल दिवस के शुभ अवसर पर प्रतियोगिता परीक्षा का करवाया गया आयोजन। रोहतास के सासाराम में सघन वाहन चेकिंग अभियान चलाया गया। नहीं भागलपुर बरारी ओवरब्रिज पुल पर और नगछा में भारी वाहनों के परिचालन के चलते लगातार जाम की स्थिति। के पास जो पुल है वहां से भारी वाहनों का परिचालन बंद कर दिया गया है, जिसके कारण विक्रमशिला सेतु से होकर के भारी वाहनों का परिचालन उसकी संख्या काफ़ी बढ़ गई है। और कुछ कारण ऐसे हो जा रहे हैं, कभी वाहन खराब हो जा रहा है, कभी बीच पुल पे या उसके आगे भी, तो उसके कारण जाम लग जा रहा है। कल रात में मैं स्वयं भी निकला था और यहाँ से पूरे नगछिया तक गया था और देखा कि काफी ज्यादा वाहन है और दो जगह पे वाहन उस समय भी खराब थे, रात्रि में भी वाहन। बिहार कृषि विश्वविद्यालय के तमाम अंगीभूत कॉलेज और शोध संस्थानों के कृषि वैज्ञानिक भूख हड़ताल पर। रोहतास सासाराम प्रखंड के अंचल कार्यालय में आरटीपीएस काउंटर पर सासाराम सदर एसडीओ राजकुमार गुप्ता के औचक निरीक्षण से कर्मचारियों में हड़कंप मच गया। आप आरटीपीएस काउंटर पर आए हुए हैं क्या कारण से? कितने समय से खड़ी हैं यहाँ? दो घंटे से। किस काम से आई हुई हैं यहाँ? जाति प्रमाण पत्र बनाने के लिए। क्या लग रहा है सुविधा में? किस तरह से सुविधा है यहाँ? बहुत स्लो चल रहा है। कहाँ से आई हैं आप? निरीक्षण किए आरटीपीएस सासाराम सदर ब्लॉक का, जिसमें यहाँ पे किस तरीके से लोगों को जो सेवा प्रदाता है उसको कैसे प्रोवाइड कर किया जा रहा है, इसकी जानकारी ली और उन कर्मचारियों का स्थिति को देखा कि वो कैसे काम कर रहे हैं और किस कंडीशन एटमॉस्फेयर में कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, लोगों को किसी तरह के ग्रीवांसेज है उसको फुलफिल कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, तो पब्लिक के द्वारा संतोषजनक स्थिति बताई गई है। बीती रात रोहतास विक्रमगंज थाना के शिवपुर हॉल्ट के पास टेम्पो और स्कॉर्पियो की जबरदस्त भिड़ंत में एक अधेड़ की मौत इलाज के दौरान हो गई। विक्रमगंज से हम लोग दुकान का सामान लेकर स्कॉर्पियो आकर बीएड कॉलेज मोहनी शिवपुर हॉल्ट के आगे मोनी बीएड कॉलेज के पास मार दिया स्कॉर्पियो। किनकी मौत हुई? विक्रमा सिंह मेरे बड़े भाई को। और घायल कितने लोग हैं? घायल 3 आदमी हैं। रोहतास सासाराम के दरीगांव थाना क्षेत्र के अंतर्गत पुलिस की वाहन चेकिंग के दरमियान एक 22 वर्षीय व्यक्ति की मौत हो गई, जिसके बाद ग्रामीणों ने नेशनल हाईवे 2 पर जमकर बवाल काटा। सारे प्रशासन के चलते घटना हुआ है। क्या हुआ, कैसे हुआ? ए मेरा घर से मेरा भाई निकला, सुबह में जा रहे थे वहाँ कादिरगंज मोड़ पे हाइबर छोड़ते समय वहाँ पर चेकिंग लगा हुआ था प्रशासन का, मोटरसाइकिल चेकिंग। सर वहाँ पर चेकिंग के मेरा गाड़ी वहाँ पकड़ लिए लोग, तो वो भाई मेरे पास कॉल किए कि भैया कागज पत्र टंच बा ना? कहीं हाँ हाँ कागज पत्र हमारे टंच बा गाड़ी के, तो 500 रुपये मांगा तो अंजा कहने की 1 रुपये दिए मत, हम कागज पत्र लेके आव तनी। कौन सा थाना है? दरगाँव थाना सर। ठीक, उसके बाद में वो वहाँ से भागा के क्या किया प्रशासन उसका पीछा किया, ठीक है, पीछा करते समय वो चहटा होगा, उसके बाद यहाँ एक्सीडेंट हुआ। हम कवल लगा रहे हैं, बार बार कवल कर रहे हैं, मेरा भाई फिर कवल नहीं उठाया है। ठीक है, बाद में करीब दो अढ़ाई घंटा के बाद मेरे घर पे तलिक ले फोन चला गया कि ऐसा ऐसा घटना हो गया। और क्या प्रशासन यहाँ पर एक्सीडेंट होने के बाद कोई गार्जियन नहीं था,
फिर लाश उठवा कर ट्रैक्टर में लदवा कर दरगावे थाना फिर लेकर जा रहा था कि औरंगाबाद का लाश है। अरे अधूरा लाश, अधूरा लाश है कि औरंगाबाद क्या है। मेरा लोकल पार्टी कोई भी आया पब्लिक और रुकवाया कि दिखाइए कि औरंगाबाद का लाश है कि नहीं। सड़क हादसा में एक मौत हो गई। यहाँ पे मुफसिल थाना अंतर्गत लेड़ुआ नामक एक ग्राम है, वहाँ के एक युवक राकेश कुमार मोटरसाइकिल से जा रहे थे, उन्हीं के ट्रक से धक्का लगकर मृत्यु हो गई है। दुर्घटनाकारी ट्रक को पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया गया है और मृतक परिवार को जो भी सरकार के नीतियों के अनुरूप अनुदान वगैरह मिलना था वो सब दे दिया गया था। उनके परिवार वालों ने यहाँ पर सड़क जाम किया था 3-4 घंटों के लिए, तो वो जाम को भी अब छुड़वा लिया गया है। सर अनुदान राशि के क्या मतलब, ये अब प्रशासन का मामला है, तो आप BDO मैडम SDF साहब से बात कर लीजिए इस मसले पर। लगातार दरगाँव थाना पर बार बार क्लेम आ रहा है, किस तरह से हो रहा है सर? अरे रूपा ने मतलब बात होता होने तो पाछे बात करिए। Thank you.